क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब इन्फ्लेशन या तो हम बोल सकते हैं लेस देन 3% होता है, जैसे 2.6, 2.7, 2. ऐसे 3% से जब लेस देन होता है हमारा इन्फ्लेशन, तो हमारा वो क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन के आता है, अंदर आता है। माइल्ड मीन्स माइल्ड, जैसे कहते हैं मिल्क माइल्ड है, दूध मीडियम है, तो स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि लेस देन 3% है, तो वो हमारा क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन में आता है। सेकेंड अगर कैटेगरी देखें तो वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग और ट्रोटिंग, TROTTING इन्फ्लेशन, ये हमारा 3 to 6% एनम, 3 to 6% पर एनम के बीच में आता है। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए कि हाँ अब इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस बहुत मतलब राइज हो रहे हैं, एक वार्निंग सिग्नल है, प्राइस राइज हो रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करके इसको कवर अप करिए, नहीं तो और ही ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो सेकंड में कौन सी वार्निंग सिग्नल कौन सा होता है, मैं वॉकिंग और ट्रोटिंग, वॉक ही करता है, मतलब हल्का हल्का वॉक करने लगता है। यहाँ क्या होता है, माइल्ड होता है, स्लो रेट से ग्रो हो रहा होता है हमारा इन्फ्लेशन, लेस देन 3% रहता है, और यहाँ 3 to 6% के बीच में आने लगता है हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल भी होता है गवर्नमेंट के लिए। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, 2 digits का होता है। 2 digits का मीन समझ रहे हैं आप, जैसे 10%, 15% जब इन्फ्लेशन हो, 10% और 15% इन्फ्लेशन मीन बहुत ज्यादा ही प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मीडियम में जो क्लास के लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, कौन सा, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन हमेशा 2 digit का होता है, जैसे 10% हो गया, 9% तो 1 digit हो गई, 10% हो गया 10 to 99, 2 digit है तो 10 to 99 के बीच में रनिंग इन्फ्लेशन 2 digit का होता है, और मेनली सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज को ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और फोर्थ है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, 2 digit का भी हो सकता है और 3 digit का भी हो सकता है, मतलब कि 10 और 15, 10, 15, 20 ये सब भी हो सकता है, और 555 और 635 ये सब भी, टिल 999, क्योंकि 3rd digit कहाँ तक लास्ट होती है, 999 तक होती है, तो यहाँ तक ही हो जाता है। ये बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और मेजर करना इसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये कंट्री के लिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन हो जाती है। और सबसे लास्ट में आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जब 1000% के ऊपर हमारा इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट पर एनम 1000 पर एनम के ऊपर होता है, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब हाइपर बिल्कुल ही ज्यादा, और इसे मेजर करना बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन है। हर जगह महंगाई है, मतलब इसका आप समझ ही रहे होंगे, जब सबसे ज्यादा हाई लेवल है तो क्या हो रहा होगा कंट्री में, कि गुड्स के जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज होंगे वो बहुत ही हाई होंगे, और इकोनॉमी बिल्कुल अपने अंडर डेवलप्ड, मतलब इकोनॉमी को कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बिल्कुल माइनस में चला गया होगा, ये इसका अगर बात कहें तो, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन ये है, ठीक है। एक बार शायद जिम्बाब्वे वगैरह में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, ठीक है, तो उसको मैं आगे अगर एग्जांपल में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे थे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, लेस देन 3% होता है, लेस देन 3% पर एनम होता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन और टोटिंग इन्फ्लेशन 3 to 6% पर एनम होता है, एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए। रनिंग इन्फ्लेशन 2 digits का होता है, जैसे कि 10%, 12% ये सब होता है, ये सबसे ज्यादा मीडियम क्लास के लोगों को अफेक्ट करता है। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन 2 digit से 3 digit का हो सकता है, जैसे 10 भी हो सकता है और 999 भी हो सकता है। और हाइपर इन्फ्लेशन 1000 पर है ना, मतलब ये लास्ट सिचुएशन होती है, ड्रास्टिक सिचुएशन होती है, यहाँ इन्फ्लेशन का मैग्नीट्यूड मेजर करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टफ वर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, 5 types of inflation आर देयर। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उतना ज्यादा टफ तो है नहीं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे टॉपिक के अंदर घुसेंगे, फिर उसको और अच्छे समझेंगे कि क्या क्या मेजर हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो जिससे हम इन्फ्लेशन से बच सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें जो कॉज करती हैं इन्फ्लेशन को अकर होने में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन अकर होता है। अभी तक हम लोग बात करी थी इन्फ्लेशन की डिफिनेशन की और इन्फ्लेशन के टाइप की, 5 types थे, तो उसमें ज्यादा डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं, बस इतना आप समझिए कि माइल्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डैश इन्फ्लेशन, ये सब इन्फ्लेशन क्या होती है, इनमें कितना स्टडी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों होता है, सबसे पहला पॉइंट
हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन से कैसे भाई, मतलब यहाँ तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन से क्या मतलब? देखिए जब हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है समझिएगा, तो जब ज्यादा लोग की इंक्रीज होंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी करेगी, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। अब जब टोटल डिमांड बढ़ेगी, जब इस चीज की अगर सपोज मानिए इस चीज की अगर डिमांड बढ़ रही, तो ऑब्वियस सी बात है इसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस लेवल राइज होना वही इन्फ्लेशन होता है। तो एक फैक्टर हो गया हमारा हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हमारा इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। सेकेंड है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, ठीक है, मतलब सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है। जो आजकल की चीजें हैं, कुछ बेनिफिटेड चीजें हैं, कुछ जो मिनिमम बेसिक नीड्स हैं, तो उसमें गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो वो जो लोगों का पैसा है, जो मिनिमम गुड्स में वो खर्च करते हैं, वो तो बच जाता है भाई, गवर्नमेंट उसमें एक्सपेंडिचर करके उनको प्रोवाइड कर दे रही, तो वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा वो कहीं और लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि जब वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, तो किसी भी चीज की जैसे एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ेगा, प्राइस जब बढ़ेगा तो वही हमारा इन्फ्लेशन हुआ भाई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज जब तभी होगा, एक्सपेंस तभी इंक्रीज होगा जब लोगों के पास मनी होगा, समझ रहे हैं ना, कि जब मनी होगा, और जब मनी होगा तो डिमांड किसी भी चीज की पर्टिकुलर, किसी भी चीज में एक्सपेंडिचर करे, कोई भी पर्टिकुलर चीज वो खरीद रहे हैं, तो वही चीज हमारी जब उसका प्राइस राइज होगा, और प्राइस राइज होना ही हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई सेकंड फाइव ईयर प्लान के बाद, सेकंड फाइव ईयर प्लान के बाद हमारे जो मनी सप्लाई है, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई करती है मार्केट में, ताकि लोग जो भी परचेस करें कमोडिटीज वगैरह परचेस कर सकें। तो जब अगर सोचिए मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा डिमांड भी करेंगे भाई, लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो डिमांड भी करेंगे, ठीक है, डिमांड कर अच्छी बात है। तो डिमांड जब होगी तो क्या होगा, चीजों के प्राइस राइज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। बट सेकेंड फाइव ईयर प्लान से जिस हिसाब से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, उस हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। मानता हूँ कि एक साइड में आपको गोल्ड वगैरह रखना होता है करेंसी इशू करने के लिए, बट मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब कि जो हमारा प्रॉपर एक कंज्यूमर है उसके हाथ में इनकम आई, इनकम आई, तो इनकम जब आई, पैसा जब मार्केट में आया, तो क्या होगा, डिमांड एक पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो उसके बाद जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कुछ टाइम पीरियड बाद उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ना ही हमारा क्या है, इन्फ्लेशन। प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटी, राइज इन द प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटी इज नोन एज इन्फ्लेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि सपोज मानिए कहानी की तरह है डेफिसिट फाइनेंसिंग, सपोज मानिए जैसे गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही, गवर्नमेंट आजकल एक्सपेंडिचर बहुत कर रही, लोगों पे खर्चा बहुत कर रही है, कर रही है, काम कर रही, ज्यादा कर रही, खर्चा कर रही, बस इतना समझिए, खर्चा कर रही, तो खर्चा कर रही है। अब एक ये तो बात साइड हो गई, बट अब जो वो बजट बनाती है, गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है, तो उसको उसमें भी कुछ पैसा चाहिए, उसमें भी लगाने के लिए भाई बजट बनेगा। तो बजट में क्या होता है, इन चीजों में एलोकेट होता है इतना पैसा कि रेलवे सेक्टर में इतना जाएगा, इस सेक्टर में इतना जाएगा, तो उसमें भी पैसा चाहिए। जब गवर्नमेंट नॉर्मल पीपल्स में ही पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर कर देगी तो बजट में क्या एलोकेट करेगी पैसे को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्व बैंक से जो प्रिंट करवाती है नई करेंसी, न्यू करेंसी प्रिंट कराती है, और साइड में एक मानता हूँ कि एक कोई सिक्योरिटी रख देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, बाद में कवर अप कर लेंगे, बट उस टाइम के लिए उसने करेंसी प्रिंट कराई। तो ये क्या हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई कि मार्केट में कि नहीं, मार्केट में पैसा गया कि नहीं, लोगों के हाथ में पैसा गया ज्यादा। तो जब पैसा जाएगा तो एक सर्टेन कमोडिटी की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो उसके बाद उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और यही हमारा इन्फ्लेशन हो गया। तो ये हमारा एक सेकंड कॉज था। ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी लोग अपना टैक्स चोरी, टैक्स इवेडिंग करके जो हमारे प्रॉपर्टीज और टैक्स वगैरह चोरी करके वो लोग क्या खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं और ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं। तो ज्वेलरी वगैरह, लैंड वगैरह का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये जो टैक्स चोरी करके ब्लैक मनी जो है वो पूरा पूरा परचेज करने में किसको लगा देते हैं, ये लैंड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है और तभी उसके प्राइस बढ़ जाते हैं इतने, ठीक है। ब्लैक मनी भी एक कॉज है।
इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है भाई। टैक्सेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर जब से प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ है, जब से प्लान पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो उससे क्या कर रही है कि टैक्स रेट बढ़ाती जा रही है। जीएसटी में कुछ क्वान्टिटीज थी वो टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, तो टैक्स रेट इंक्रीज हुआ। सपोज मेरी शॉप है, टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो मैं किससे कवर अप करूंगा? मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर से मैं कैसे गौरव कहूंगा उनसे? मैं थोड़ी ये तो कहूंगा नहीं कि टैक्स इंक्रीज हो गया लाओ पैसे लाओ। उनसे मैं जो क्वांटिटीज में सेल कर रहा हूँ उसके प्राइस बढ़ा दूंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? बढ़ा दूंगा। तो जब क्वांटिटी का प्राइस राइज हो गया तो वो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो वही हमारा एक टैक्स रेट का इंक्रीज होना भी इन्फ्लेशन का एक कॉज है। होल्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, होल्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आप समझ गए होंगे, जैसे गोदाम वगैरह में आलू वगैरह कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर ली जाती है। अब फिर क्या करते हैं, उसका एक टाइम देखते हैं कि जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, तो उसको मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ करने लगेंगे ताकि उनको हायर प्रॉफिट मिले। तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन एक कॉजेस है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, कॉजेस थे जिनकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन होता है। इनडायरेक्टली सब ना सब सबके साथ इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप बुक में एक बार पढ़ेंगे तो उसको आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारे थे इन्फ्लेशन के कॉजेस, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, इंक्रीज टैक्सेशन एंड होल्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना ज्यादा टफ तो था नहीं, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, जो पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं ये बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टू टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। ये टॉपिक थोड़ा हटके है इन्फ्लेशन से, बट रिलेटेड है इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसा कि नेम सिग्निफाई कर रहा है, ये डिमांड से रिलेटेड होगा, और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन ये सिग्निफाई में कर रहा है कि कॉस्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या था, इट अकर्स व्हेन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द गुड्स एग्रीगेट एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट एन एग्जिस्टिंग प्राइस। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब अकर करता है जब जो एग्रीगेट डिमांड है, मींस टोटल डिमांड है, वो ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट एन एग्जिस्टिंग प्राइस। मींस कहने का मतलब है कि जब डिमांड ज्यादा होगी, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन अकर करेगा, क्योंकि प्राइस राइज होंगे भाई। जब डिमांड ज्यादा होगी तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, ठीक है, तो तभी हमारा इन्फ्लेशन अकर करेगा, ठीक है। और कॉस्ट, तो यही हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड होती है, मीन्स टोटल डिमांड होती है, वो ज्यादा होती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, मीन्स टोटल सप्लाई से। अब इसके क्यों क्यों होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ राइजिंग मनी इनकम, राइजिंग लोगों की जब मनी इनकम ज्यादा होती है तो हमारी वो डिमांड ज्यादा करते हैं, और फिर उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो होता है। एक्सपेंसिव इन मनी सप्लाई, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा होता है लोगों के पास, तो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर करता है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बताया था, जब लोगों का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो डिमांड उसकी इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा ना, प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन हमारा होगा, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस जो हमें प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगी है वो इंक्रीज हो जाती है, कंपेयर टू उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज नहीं होती। क्या मीन इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी उसके कंपेरिजन में इंक्रीज नहीं होती है। जैसे कि इंक्रीज इन दी वेजेस, वेजेस भाई, वेजेस अगर कंपनी में लेबर वगैरह काम कर रहे हैं तो उनका वेजेस अगर बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड करते हैं, कितने कम रॉ मटेरियल लाए, कितने कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, सब कुछ सारा हम इंक्लूड करते हैं। तो इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज इन दी वेजेस एक इसका एक एग्जांपल है, परफेक्ट इसका, इसकी वजह से कॉज होता है। इसे सप्लाई पुल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, ठीक है। सेकंड है हायर टैक्स की वजह से और इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर होता है। ये थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये मेन डिमांड जब ज्यादा होती है, डिमांड एक्सेस होती है एग्रीगेट सप्लाई के एग्रीगेट, और इन सब रीजन से। तो ये आप अपनी कॉपीज में नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिसीज कैसे हैंडल करी जाती हैं आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू,
ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बात करी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, और अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो गवर्नमेंट उससे कैसे सिचुएशन को फेस करेगी, क्या क्या पॉलिसीज वो अडॉप्ट करती है जिससे इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारी ओवरकम हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में होता क्या, आरबीआई से ही हैंडल करती है पूरा पूरा। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स क्या होता है, देखिए लिखा है इन विच गवर्नमेंट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी मार्केट में तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो रेट इसके प्राइसेस के बढ़ जाएंगे। तो मेन मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ज्यादा करनी है कि कम करनी है सप्लाई ऑफ मनी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी उसको भी देखते हैं कि अगर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, समझिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, जैसे बैंक जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो लोन का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या होगा जब लोन का बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, कुछ पहले से कम लोग लोन लेने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जब हम जैसे 1 लाख रुपीज ले रहे हैं लोन तो पूरा तो मिल नहीं जाता, 80,000-70,000 मिलेगा पहली बात, तो फिर हम उसे जब वापस करेंगे तो हमें हाई रेट में लोन वापस करना पड़ेगा, हाई रेट में जो लोन की अमाउंट है उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात होती है कि जब रेट ये लोग क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन के टाइम जब देखते हैं बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो जो लोन वगैरह का रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, वो सब ये लोग हाई कर देते हैं। क्यों हाई कर देते हैं, ताकि लोग कम से कम पैसा लोन में लें, कम से कम लोन में वो ज्यादा घूम ना पाए पैसा। ठीक है, क्योंकि जब अगर पैसा ज्यादा घूमेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग जब पावर बढ़ेगी तो चीजों के प्राइसेस वगैरह बढ़ सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लिखा है अ चेक इन द सप्लाई ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, चेक करती है सप्लाई ऑफ मनी, अगर जैसे कि देखती है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी मार्केट्स में ज्यादा है, सपोज मानिएगा सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा है, तो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ मार्केट से सिक्योरिटीज वगैरह क्या करेगी, सेल कर देगी मार्केट में, कुछ मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह जो भी उनके पास होती हैं, सिक्योरिटीज कुछ भी, लैंड बिल्डिंग कुछ भी, आरबीआई और गवर्नमेंट के पास सब कुछ होता है, तो वो सेल कर देंगे। तो सेल करने से क्या होगा, जो मार्केट का पैसा होगा उनके पास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब उनके पास मार्केट का पैसा आएगा तो मनी सप्लाई में थोड़ा, मनी जो मार्केट में था वो थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो जब मार्केट का मनी जब कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होगी, और जब परचेजिंग पावर पड़ेगी तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है हमारा एक प्रॉपर अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया कि जब देखते हैं कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बढ़ा देते हैं, सीआरआर बढ़ा देते हैं, एसएलआर क्या बढ़ा देते हैं। अब सीआरआर एसएलआर क्या होता है, देखिए सीआरआर क्या होता है कि जैसे आप लोग हैं, हम हैं, अब घर में जैसे आप पूरा पूरा तो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बट इमरजेंसी के लिए घर में आप कुछ ना कुछ पैसे रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं, तो वैसे ही बैंक क्या करती है कि इमरजेंसी के लिए सीआरआर रखती है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो रखती है, उतना वो पैसा बैंक में रखती है, उस पैसे को ना तो किसी को लोन में दे सकती है और ना ही कुछ उसका यूज भी कर सकती है। तो जो सीआरआर एसएलआर होता है नॉर्मली आरबीआई डिसाइड करती है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कहती है कि आप अपना सीआरआर, मतलब कि जितना भी टोटल अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ है, जैसे कि 1 लाख हुआ है, तो उसका आपको 5 या 6% सीआरआर सबसे पहले अपने पास रखिए, फिर बाकी का जो पैसा है वो लोन में घुमाइए आप। ठीक है, तो 5-6% जब वो सीआरआर रखेंगे तो उस केस में जब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या कह देगी, अब 6% नहीं, अब आप क्या कहते हैं 9% रखिए, कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा रखिए, अपने पास रिजर्व ज्यादा रखिए। तो जब रिजर्व ज्यादा रखेंगे वो लोग तो लोन का अमाउंट कम हो गया कि नहीं हो गया, पहले भाई एक बात बनेगा, पहले क्या होता था 1 लाख रुपीज डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो उसमें सीआरआर वो लोग रखते थे 10,000 रुपीज, कुछ भी परसेंटेज में हो सकता है 10,000 रुपीज रखते हैं, तो मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ। अब सीआरआर उन्होंने बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, परसेंटेज उसका बढ़ा दिया, तो अब वो कितना रखेंगे 20,000, तो अब बैंक वाले एक्चुअली में कितना दे सकते हैं,
80,000 ये तो दे सकते हैं लोन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब लोगों बैंक का लोन देने का पैसा कम हुआ तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा भी कम गया, डिमांड लोग कम करेंगे और फिर बाद में इन्फ्लेशन अपना एक पॉइंट में, सर्टेन पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। और एसएलआर क्या होता है, एसएलआर में क्या होता है कि ये क्या होता है कि जैसे सीआरआर में बैंक को पैसे रखने होते हैं, एसएलआर में जो बैंक को सिक्योरिटीज वगैरह रखनी पड़ती है, मतलब गोल्ड वगैरह कुछ भी, गोल्ड प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब बैंक को एक अपने पास रिजर्व में रखने पड़ते हैं कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए एसएलआर और सीआरआर उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। सीआरआर में कैश और एसएलआर में स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लिक्विड रखना पड़ता है, लिक्विड मीन्स जैसे ज्वेलरी वगैरह कुछ भी रखनी पड़ती है इमरजेंसी टाइम को फेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एसएलआर और सीआरआर का जो परसेंटेज रेट होता है ये कौन डिसाइड करता है, नॉर्मली सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, वो जो हमारी आरबीआई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है क्या, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट। भाई अब लोन का जब अमाउंट क्या होगा, लोन का अमाउंट जब वो लोग ज्यादा कर देंगे, लोन का मतलब लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज्यादा कर देंगे, तो सप्लाई क्या मार्केट में क्या होगी, सप्लाई लोन की कम होगी, तो लोगों की ऑब्वियस बात है परचेजिंग पावर भी कम होगी, तो जब परचेजिंग पावर कम होगी तो वो खरीद भी नहीं पाएंगे ज्यादा, और फिर इन्फ्लेशन आपस में एडजस्ट हो जाएगा बाद में जाके। तो ये थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से ऐसे कदम उठाती है कि जिससे इन्फ्लेशन हम रिकवर कर सकें, इन्फ्लेशन से लड़ाई कर सकें, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग फिस्कल पॉलिसी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिस्कल टॉपिक पॉलिसी के लिए नेक्स्ट पेज में आप लिखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। इससे पहले हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, अब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी में होता क्या है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्चुअली में वर्क करती है और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई में एक्चुअली वर्क करती है। तो फिस्कल पॉलिसी होता क्या, फिस्कल पॉलिसी इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये सब किस में इंक्लूड होता है, फिस्कल पॉलिसी में। रेवेन्यू जैसे आप लोग जानते होंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, ठीक है। प्रॉफिट अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ये मार्कर मैंने बनाया, तो मार्कर जब मैंने सेल कर दिया, जैसे 10 रुपीज मिला, तो 10 रुपीज मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। बट 10 रुपीज में मेरी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। कोई भी कंपनी है, कोई भी सेल करती है कमोडिटी, तो उसमें उसका कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड होता है, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू ही होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ये सब फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे कंट्रोल करती इन्फ्लेशन को, ये हम देखेंगे। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कुछ एरिया में, कुछ कमोडिटीज में एक्सपेंडिचर करती है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, कि उनका वेलफेयर के लिए करती है। तो जब इन्फ्लेशन के टाइम हुआ, तो इन्फ्लेशन के टाइम वो क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर करना कम कर देते हैं। एक्सपेंडिचर जब करना कम करेंगे तो जो कमोडिटी को परचेज करना होगा, पूरा पूरा भार किस में पड़ेगा, पूरा पूरा लोड किस में पड़ेगा, कंज्यूमर में, और फिर वो डिमांड भी उस हिसाब से कम करेगा, ठीक है। और फिर जो दूसरी वो कमोडिटी खरीद रहा था उसकी जगह, जब तो वो क्या करेगा कि इसमें कमोडिटी में अपना पैसा लगाएगा और उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इधर उधर हो जाएगा, और इसी वजह से जब डिमांड एक क्वांटिटी कम होगी तो उसका प्राइस भी थोड़ा कम ही होगा और इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड है इंक्रीज इन टैक्स। जब इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा तो टैक्स वगैरह, जो पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह है लोगों के, जैसे एक्सपेंडिचर जो लोग ज्यादा कर रहे हैं, परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा है, गवर्नमेंट ने देखा कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि टैक्स बढ़ा सकती है लोगों के। इनकम टैक्स आप 15 से 20% दीजिए। तो जब इनकम टैक्स आप वो देंगे 15 से 20%, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ उनका मनी का पार्ट, कुछ उनकी इनकम का पार्ट गवर्नमेंट के पास आ गया, तो इससे वो डिमांड भी पहले वाई डिमांड वो 80,000 की करते थे, आप क्या कहते हैं कि उनको टैक्स 20,000 रुपये देना पड़ जा रहा है, तो अब वो करेंगे डिमांड फिर 60,000 रुपीज से डिमांड करेंगे, तो पहले के मुकाबले वो डिमांड कम करेंगे। तो जब डिमांड कम करेंगे तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो इन्फ्लेशन अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है।
पब्लिक बोरोइंग गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे देखेगी अगर मनी सप्लाई मार्केट में जाता है तो वहां से मनी सप्लाई मार्केट से मनी परचेस कर लेगी। अब परचेस कैसे करेगी, ये थोड़ी ना कहेगी कि कोई जा रहा है निकलेगा कहेगा भाई पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो, इन्फ्लेशन है पैसे दे दो, ये तो नहीं करेगी। वो क्या करेगी कि जो उनके पास सिक्योरिटीज वगैरह जैसे मैंने बताई थी तो उनको मार्केट में सेल करेगी। जब मार्केट में कोई चीज बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी करेगी, सिक्योरिटीज अपनी सेल करेगी मार्केट में, तो मार्केट में जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आएगा, और गवर्नमेंट के पास आएगा और तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी मार्केट में, होगी। और यही हमारा इन्फ्लेशन में एक इसका पॉइंट है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बात है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे फिजिकल पॉलिसी के हमारे पॉइंट्स। इसके बाद जो एक तीन इंडिकेटर्स होते हैं इन्फ्लेशन के, एक होता है सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई और एक जीडीपी डिफ्लेटर, तो उसके बारे में बात करते हैं। और फ्रॉम 1952 2011 2012 तक इन्फ्लेशन रेट हर साल कितना रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना था और किस हिसाब से इन्फ्लेशन हमारा ग्रो करा है, किस हिसाब से इन्फ्लेशन हमारा डिक्रीज करा है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में जा रहा हूँ और तब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब अपना लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन और जो ट्रेंड्स था इन्फ्लेशन का 5 ईयर प्लान में, जो 12th 5 ईयर प्लान तक चलता रहा कितना हमारा परसेंटेज था। सबसे पहले हम बात करते हैं WPI क्या होता है, CPI क्या होता है और GDP डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, तो WPI जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये हमेशा हमारा होलसेल प्राइस में निकाला जाता है और वीकली बेसिस में निकाला जाता है, होलसेल प्राइस में निकाला जाता है वीकली बेसिस में निकाला जाता है। ठीक है, इसमें हमेशा 435 में कुछ क्वांटिटीज है उनको इंक्लूडेड करा गया है, गुड्स को ही सिर्फ कैलकुलेशन होता है इसमें, गुड्स का ही सिर्फ कैलकुलेशन होता है और हमेशा ये कैलकुलेशन करते टाइम इसका बेस ईयर 100 माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं CPI जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कैलकुलेटेड ऑन रिटेल प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो रिटेल प्राइस में निकाला जाता है और मंथली बेसिस में निकाला जाता है और इसका भी बेस ईयर हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज में को इंक्लूड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है, और जबकि जो WPI था वो सिर्फ हमारा गुड्स को इंक्लूड करता था। ठीक है, और GDP डिफ्लेटर हमारा क्या है, GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ GDP एट करंट प्राइस अपॉन GDP एट कांस्टेंट प्राइस, किसका रेशियो, GDP एट करंट प्राइस अपॉन GDP एट कांस्टेंट प्राइस, ये हमारा इसका मेन GDP डिफ्लेटर। GDP एट CP, GDP एट CP, CP मैंने लिख दिया है सबसे ऊपर है, GDP एट करंट प्राइस अपॉन GDP एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि वेरियस जो 5 ईयर प्लान थे आपने पढ़े होंगे, अभी मैं नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरी वीडियोस में होंगे, तो जो 12 5 ईयर प्लान थे उसमें देखते हैं 1951 में -3.6 था हमारा इन्फ्लेशन रेट, मतलब आप अगर देखेंगे तो माइल्ड इन्फ्लेशन था और ये जो डबल डिजिट का कभी इन्फ्लेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी में नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। ठीक है, 1956 में था 6.3%, 1961 में था 5.8%, 1969 में था 9%, फिर इंक्रीज हुआ है देखिए 1969 में, फिर 1974 में फिर थोड़ा कम हो गया 6.3 हो गया, फिर 1980 में हो गया 9.7 फिर बढ़ गया, 1985 में फिर थोड़ा कम हुआ 6.7% और 1982 में फिर थोड़ा 6.6.1% कम हुआ, 1997 में 3.9% हो गया, बहुत ही कम हुआ। ये वो टाइम है जब हमारे 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा गया तो थोड़ा बहुत इफेक्ट उससे पड़ा था। 2002 में 5.4 हो गया, 4.04 हो गया इन्फ्लेशन, और 2007 में हमारा 7.4 हो गया, मतलब कि 7. अब बढ़ गया है फिर से 7.4, 12 तक का मेरे पास डाटा है, ये पूरा जो डाटा है स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सर्वे में बेस्ड है जो उस साल हुआ था, आप नेट में सर्च कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा जिससे आप सर्च कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट 5 ईयर प्लान में कितना था। ठीक है, तो ये अपना लास्ट जो टॉपिक था वो खत्म होता है इन्फ्लेशन का, और आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश करी कि हर टॉपिक मैं खत्म करूँ इसमें, और अगर कोई टॉपिक बच भी जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी अगली वीडियो बना दूंगा, और देखते रहिए गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और ठीक है, और अब बाकी आपके कॉमर्स के भी आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख लीजिए, थैंक यू वेरी मच।